आज हम बनाएंगे इडली का आटा। देखें, हमने 2 गिलास चावल लिए हैं इससे, और सफ़ेद उड़द की दाल है, इससे ही 1.5 गिलास लेना है, और पका हुआ चावल 1 कटोरी लिए हैं, और हम इडली का आटा बनाएंगे। अभी हमें इसे पीसना है मिक्सर, ये हमें अभी मिक्सर में पीसना है चावल को, और उड़द की दाल है इसमें सफ़ेद। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, बारीक पीसना है हमें। ये देखिए, हमारा ये इडली का आटा तैयार हो चुका है। इसी तरह सारे चावल पीस लेना है, दाल और चावल। भी हमें पका चावल पीसना है, जो 1 कटोरी लिया था। इससे सॉफ्ट होती है इडली, नरम होती है। और पानी डालना है। से भी और थोड़ा पानी ऐड करना है। ये देखिए, हमारे चावल पीस चुके हैं, तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है हमें इसमें नमक भी ऐड करना है। और मिक्स करना है। ये हमारा आटा रेडी हो चुका है इडली का। ये हमारा आटा रेडी हो चुका है इडली का।